तो आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में हम रियलमी C55 का अनबॉक्सिंग करेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे, फ्री फायर टेस्ट एंड कॉल ऑफ ड्यूटी का भी टेस्ट करेंगे। इसका कैमरा कैसा देखने को मिल जाता है एंड ये आपको बाई करना चाहिए या नहीं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को एंड तक, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा डब्बा रियलमी C55, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे रियलमी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे भी रियलमी C55। मेन हाइलाइटिंग फीचर इसमें देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 33 वाट का फास्ट चार्जर, 5000 mAh की बैटरी एंड काफ़ी ज़्यादा स्लिम है ये फ़ोन एंड 6.7 इंच का फुल HD प्लस 90Hz का डिस्प्ले, हीलियो G85 प्रोसेसर एंड ये हमारे पास 4GB रैम 64GB में है। बाकी इस यहाँ से सिंपली डब्बे को ओपन करते हैं एंड गाइस सबसे पहले हमें एक पाउच देखने को मिल जाता है जिसमें हमें मिल जाता है सिम इजेक्टर पिन एंड इसके अलावा गाइस हमें मिलता है बैक कवर जो कि ठीक ठाक क्वालिटी में थोड़ा शैडो टाइप में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस कुछ डॉक्यूमेंट पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। गाइस यहाँ से निकालते हैं अपने फ़ोन को बाहर। सो देख सकते हैं हमारे पास ये कलर काफ़ी कमाल का है, बाकी निकालेंगे तो और मज़ा आएगा। बाकी 33 वाट का यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर बॉक्स में दे दिया गया है जिससे आप फास्ट चार्ज इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा इस हमें एक टाइप सी केबल भी देखने को मिल जाता है, तो ये अच्छा लगा अंडर 10,000 का अप्रॉक्स में। भाई किस यहाँ से निकालते हैं फ़ोन को बाहर एंड देख सकते हैं भाई क्या डिज़ाइन है, बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है। बाकी बॉक्सी टाइप डिज़ाइन का मैं फ़ैन नहीं हूँ, मतलब कंफर्टेबल नहीं रहता है बेसिकली। बाकी यहाँ पे डू कैमरा आपको देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, रियलमी का यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है, डुअल LED फ्लैश देखने को मिल जाता है एंड डिज़ाइन तो भाई बहुत ही कमाल का लगता है, कलर्स भरपूर। भाई गाइस यहाँ पे राइट में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाता है एंड गाइस टॉप पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे सिम टूल किट, जहाँ पे दो सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं साथ में एंड नीचे की तरफ है स्पीकर ग्रिल, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक एंड हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है गाइस एंड फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया कंप्लीट एंड इसमें 90Hz का डिस्प्ले दिया गया है। शुरू में मुझे इसमें काफ़ी जिटर्स देखने को मिले थे सेटअप के टाइम में, बट धीरे धीरे ये थोड़ा एडजस्ट कर लिया एंड अभी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भाई गाइस यहाँ पे भर के ब्लॉटवेयर्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि फालतू के ऐप्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मौज जोश हो गया, ऐसे ही काफ़ी सारे ऐप्स देखने को मिलते हैं, उनको आप सिंपली अनइंस्टॉल कर दीजिए, जो अनइंस्टॉल नहीं होता है उसको डिसेबल कर दीजिए, जो डिसेबल भी नहीं होता है तो उसके नोटिफिकेशन को सिंपली ब्लॉक कर सकते हैं, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। बाकी इस यहाँ पे ले चलूँ मैं आपको सेटिंग में एंड यहाँ से चल देंगे इस हम अबाउट फ़ोन में। सो यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी Y4 रन कर रहा है एंड स्टोरेज देख सकते हैं 26GB यूज हो चुका है। मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 4GB रैम देखने को मिल जाता है एंड गाइस यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी। बाकी रैम यहाँ पे आप 4GB तक इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट 2GB तक आप इंक्रीज़ कर लीजिए, इसका तो मुझे रियल में यूज़ समझ आता नहीं, बाकी रीस्टार्ट करना पड़ता है इसके लिए, तो इसको फिलहाल साइड करते हैं। भाई गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा 64+2 बैक में, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल, एंड्रॉयड 13 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स ये देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको एनिमेशन भी दिया गया, लाइक कोई भी ऐप ओपन करेंगे एंड उसको क्लोज करेंगे तो ये एनिमेशन में जाता है, बट भाई ये स्मूथली रन नहीं करता है, जिटर टाइप में करके जाता है, यहाँ टकते हुए फील होता है। तो मतलब यहाँ पे G88 को अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किए, बेसिकली मैंने इन्फिनिक्स में देखा है, इससे बेटर तो इन्फिनिक्स का फ़ोन मुझे लगा, वहाँ पे स्मूथनेस इन्फिनिक्स हॉट 11S की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा स्मूथनेस वो प्रोवाइड कर देता था। मैं किसी यहाँ पे यूट्यूब में ले चलूँ मैं आपको एंड दिखा दूँ कि कैसा क्वालिटी है, मतलब सपोर्ट करता है 4K सपोर्ट करता है या नहीं बेसिकली। तो हमने अपने सेकंड चैनल पे वासु ब्लॉग जिसका नाम है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड उस पर हमने 4K में ब्लॉग अपलोड किया है। तो यहाँ पे गई दिखा दूँ मैं आपको सेटिंग में ले चल कर, सो गई यहाँ पे देख सकते हैं ये इजिली 4K को सपोर्ट कर लेता है 2160p, लेकिन गई 4K में जब आप प्ले कीजिएगा तो वहाँ पर ये फ्रेम ड्रॉप करता है, जैसे कि अभी आप ये वीडियो देखिए यहाँ पे 4K में प्ले हो रहा है एंड गाइस ये मतलब जिटर कर रहा है, अटक अटक के चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अटक अटक के चल रहा है। अब यहाँ पे गाइस हम इसको चेंज करते हैं सेटिंग को, फिर देखिए कि ये कैसा चलता है। ओके तो सिंपली चलते हैं हम सेटिंग में एंड यहाँ से हम 1080p सेलेक्ट करते हैं, वैसे 1440p पे भी स्मूथ चल रहा था बेसिकली, मैंने टेस्ट किया एंड यहाँ पे देख सकते हैं 1080p पे ये अब स्मूथली रन कर रहा है। तो 4K सपोर्ट करता है बट स्मूथली परफॉर्म नहीं करता है, ये एक इसमें दिक्कत देखने को मिल जाती है। भाई किस यहाँ पे साउंड क्वालिटी सुनिए एंड देखिए।
सो गाइस इसमें हमें सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड काम चलने लायक स्पीकर है, उतना बेटर यहाँ पे फील नहीं देगा भाई। गाइस यहाँ पे एक फीचर दिया गया है जो कि भाई डायनेमिक आइलैंड का कॉपी किया गया था आईफोन से, आईफोन जो 14 सीरीज आया उससे। तो जैसे ही चार्ज में प्लग इन कीजिएगा तो ये आपको एक एनिमेशन देखने को मिल जाता है, एंड फिर से अगर स्क्रीन ऑन होते ही अगर आप चार्ज में फिर से प्लग इन करेंगे तो नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ही बार लॉक के बाद देखता है। अब गाइस यहाँ पे कैमरा की बात कर ली जाए तो सिंपली हम यहाँ पे आ चुके हैं कैमरा वाले में, एंड यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड वगैरह देखने को मिल जाता है, वीडियो मोड हो गया, स्ट्रीट मोड हो गया, साथ ही गाइस नाइट मोड भी दिया गया है, तो ये अच्छा लगा। बट नाइट में कितना वर्क करेगा वो तो टेस्ट के बाद पता चलेगा। 64 मेगापिक्सल का एक स्पेशल दिया गया है। मोर में जाएंगे तो यहाँ पे स्लो मोशन टाइम लैप्स प्रो वगैरह देखने को मिल जाता है। बाकी वीडियो आप बैक से 1080p 60fps मैक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड फ्रंट से 1080p 30fps पे कर सकते हैं भाई। किस यहाँ पे कैमरा सैंपल की बात की जाए तो ये देख सकते हैं फ्रंट से यानी कि 8 मेगापिक्सल से इनडोर में और रात में ये पिक्चर क्लिक हुआ है, तो यहाँ पे मुझे 8 मेगापिक्सल के हिसाब से काफ़ी सही लगा एंड डिटेल ओवरऑल सही लगता है। एंड यहाँ पे ये पोर्ट्रेट भी देख सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी ठीक ठाक मुझे लगा, 8 मेगापिक्सल है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे सही लगा। थोड़ा सा ये आपको देखने को मिल जाता है एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम। एंड इस बैक की बात की जाए तो ये भी वैसे फ्रंट है, फ्रंट में भी मतलब वही सही लग रहा है, यहाँ पर डिटेल वगैरह देखने को मिल जा रहा है। लेकिन इस बैक की बात की जाए तो बैक में मुझे फ्रंट से मतलब उतना अच्छा नहीं लगा, बैक और अच्छा होना चाहिए था क्योंकि 64 मेगापिक्सल है, बट कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाता है फ्रंट जैसा ही। लेकिन गाइस दिक्कत क्या है कि बैक में पोर्ट्रेट से अगर आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो बहुत ही घटिया आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट्रेट हमने पिक्चर क्लिक किया है एंड यहाँ पे अजीब सा कर दिया है एज डिटेक्शन पे, एंड यहाँ पे देखिए भाई मेरे कान को क्या किया है। तो मतलब बैक में जो पोर्ट्रेट मोड है वो बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड नॉर्मल पिक्चर अगर आप लेते हैं तो काम चल जाएगा, बट यहाँ पे देख सकते हैं ये जो छोटा छोटा टेक्स्ट है उसको ये अच्छे से विजिबल नहीं रखा है, एंड बैक से यहाँ पे भी हमने लिया तो यहाँ पे वैसे विजिबल कर रहा है, तो काम चलने लायक यहाँ पे एवरेज आप इसको बोल सकते हैं, उतना अच्छा कैमरा नहीं है। इन्फिनिक्स नोट 12 आई का कैमरा मुझे बेस्ट लगा था, इसके मुकाबले वो बहुत ही ज़्यादा सही था। फाइनली दोस्त यहाँ पे बात करते हैं हम परफॉर्मेंस के बारे में। सो इसमें मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर, एंड यहाँ पे मैं क्लियरली कह दूँ कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन की कमी है भाई। रियलमी पता नहीं अब क्या कर रहा है, रियलमी नार्जो 30 के बाद से जो भी फ़ोन आ रहे हैं वो वाहियात परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वैसे नार्जो 30 में हीटिंग इशू था लेकिन परफॉर्मेंस कमाल का देता था, लेकिन उसके बाद से नार्जो 50 में भाई क्या ही घटिया परफॉर्मेंस मिल रही थी, और इसमें भी कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। बट इतना कहूँगा कि नार्जो 50 से इसमें थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन फ्रेम ड्रॉप इशू इसमें भी देखने को मिल जाता है। सेंसिटिविटी वगैरह अच्छा है लेकिन फ्रेम ड्रॉप होने की वजह से भाई एम ही नहीं जाता है बंदे पे जल्दी। अभी तो स्लो स्लो खेल सकते हैं लेकिन अगर बंदे साथ में आ जाए तो यहाँ पर आपका एम ही नहीं जाता है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत देखने को मिल जाती है। बाकी FPS में ही दिक्कत देखने को मिलेगी, वैसे जल्दी डिटेल में टेस्ट करूँगा, 1 आवर तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी दिखाऊंगा FPS के साथ में, तो वहाँ पे आपको और डिटेल में मालूम चला कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। और सिंगल स्पीकर है तो ठीक ठाक आपको साउंड क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि फुल डिस्प्ले में चलता है, एंड इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, ऐसा लगता है कि इन्फिनिक्स का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और बॉक्सी डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है, बट जिनको पसंद है उनके लिए सही है। बॉक्सी डिज़ाइन और बड़ा फ़ोन होने की वजह से पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कर्व बैक। ओके, एंड कॉल ऑफ ड्यूटी की बात कर ली जाए तो कॉल ऑफ ड्यूटी तो भाई मक्खन चलता है, कॉल ऑफ ड्यूटी तो मुझे लगता है कि जो फ्री फायर है उससे भी लो ग्राफिक सपोर्ट करता है, ऐसा मुझे फील होता है, मतलब लो ग्राफिक पे भी अच्छा दिखाता है इसीलिए लगता है। सो एंड काफ़ी स्मूथली चलता है यहाँ पे, मतलब कोई भी जिटर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही स्मूथली परफॉर्म करता है किसी भी फ़ोन में। मैंने जितने भी फ़ोन से मैं टेस्ट किया कॉल ऑफ ड्यूटी तो ये मतलब स्मूथ रन करता है। बाकी विजय में मैं टेस्ट करता बट अनफॉर्चुनेटली इस फ़ोन में मैं विजय में इंस्टॉल करने के बाद सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, आई मीन कि लॉग इन ही नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से मैं विजय में नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन विजय में का आई थिंक ट्राई करूँगा फिर से, मैंने 2-3 बार ट्राई किया इंस्टॉल करके बट अनफॉर्चुनेटली वो वर्क नहीं किया, तो कॉल ऑफ ड्यूटी वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, एंड नॉर्मल यूज़ में भी भाई जीटर ये करता है, तो इससे मुझे उम्मीद नहीं था, रियलमी को और बेटर काम करना चाहिए था इस टाइम पे। बाकी इस डिज़ाइन एक मुझे अच्छा लगा एंड सही है, मतलब डिज़ाइन के मामले में लुक एंड फील नॉर्मल यूज़ में काम चल जाएगा लेकिन आपको जिटर्स देखने को मिलेंगे। बाकी गेम मोड इसमें देखने को मिल जाता है, वॉइस चेंजर है या नहीं उसके लिए ज़रूर से वेट कीजिए, सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।